आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीवी के अबाउट। डीवी बेसिकली एक थीम है। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीवी के अबाउट। डीवी बेसिकली एक थीम है जिसके साथ उसका एक अपना बिल्डर भी आता है जिसे डीवी बिल्डर हम कहते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक ओवरव्यू दूंगा डीवी के अबाउट। बेसिकली मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि डीवी भी एक थीम है और इसके साथ इसका एक बिल्डर आता है जिसे हम डीवी बिल्डर कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं हमारे पास जब हम डीवी की सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो यहाँ पे हमारे पास डीवी थीम निकल के आता है और दूसरी चीज़ हमारे पास आती है डीवी बिल्डर, राइट। डीवी जो थीम है उसके साथ डीवी बिल्डर भी ऑटोमेटिकली होता है। अगर जस्ट हम डीवी थीम यूज़ करें उसके साथ डीवी बिल्डर ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आपको डीवी बिल्डर अलहदा से डाउनलोड करना है तो वो प्लगइन आप डीवी बिल्डर सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन अपने अकाउंट के अंदर से, और उस डीवी बिल्डर को यूज़ करते हुए आप कोई भी थीम के ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसको यूज़ करते हुए किसी भी थीम को यूज़ करते हुए डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जबकि डीवी थीम के साथ डीवी बिल्डर ज़्यादा कंपेटेबल रहता है। अगर आपके पास कोई और थीम है और आप डीवी बिल्डर को यूज़ करते हो उस थीम को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप डीवी बिल्डर डाउनलोड करोगे, राइट। तो इसकी क्या प्राइजिंग्स हैं, क्या किस तरह से आप इसको हासिल करेंगे, किस तरह से आप इसको लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मज़ीद जानते हैं डीवी के अबाउट। तो जी हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास है प्राइसिंग। तो आपके पास यहाँ पे एक ईयरली प्राइसिंग है जो कि $89 एवरी ईयर आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप एवरी ईयर पे नहीं करना चाह रहे तो आप $249 वन टाइम पे करेंगे और लाइफ टाइम आपकी सब्सक्रिप्शन आपके पास रहेगी और इनके जो भी प्रोडक्ट हैं जो भी फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स हैं वो आपको लाइफ टाइम मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखें इसके अंदर हमें मिलता क्या क्या है। डीवी मिलता है जो कि एक थीम है जिसके साथ डीवी बिल्डर भी आता है। एक्स्ट्रा मिलता है एक ये भी इनका एक थीम है जो कि न्यूज़ मैगजीन वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है। ब्लूम मोनार्च ये दो प्लगइन्स मिलते हैं, ये भी सोशल मीडिया के रेलिवेंट हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है प्री बिल्ड टेम्पलेट्स, हंड्रेड्स ऑफ प्री बिल्ड टेम्पलेट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम वन क्लिक के जरिए किसी भी तरह की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग फीचर है। जिस तरह से हमने एलिमेंटर के अंदर देखा था हमारे पास प्री बिल्ड टेम्पलेट्स थी, तो यहाँ से इस एक थीम के अबाउट अगर आप ये एक थीम लेते हैं तो ये आपका मतलब ऑल इन वन सोल्यूशन है। आप किसी भी तरह की वेबसाइट सिर्फ एक थीम को इसी थीम को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट बिजनेस से रेलिवेंट टेम्पलेट्स ऑलरेडी डिज़ाइंड है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास अनलिमिटेड वेबसाइट्स पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और लाइफ टाइम अपडेट्स है हमारे पास, लाइफ टाइम प्रीमियम सपोर्ट है अगर हम ये लेते हैं, राइट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप इसको बाय कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कोई फ्री वर्जन नहीं है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। तो हम चलते हैं अपने अकाउंट के अंदर। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपने अकाउंट के अंदर, राइट। मैं लॉगिन कर चुका हूँ, मेरे पास सब्सक्रिप्शन है लाइफ टाइम की। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ मेंबर एरिया नज़र आ रहा है। हमारे पास सबसे पहले थीम्स एंड प्लगइन्स है, क्लाउड है, मार्केट प्लेस है, अकाउंट है। तो हमारा जो काम है मेजरली वो यहाँ पे आएगा थीम्स एंड प्लगइन्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है डीवी थीम। अगर ये डीवी थीम हम डाउनलोड करते हैं और जिस थीम इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ बिल्डर ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा और हम इसको यूज़ कर पाएंगे। अगर आप डीवी थीम यूज़ नहीं कर रहे, आपके पास थीम कोई और है और आप लेकिन डीवी बिल्डर को यूज़ करते हो उसको एडिट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये वाला डीवी बिल्डर जो प्लगइन है वो डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे सिंपल, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा ईमेल ऑप्टिंग के लिए हमारे पास ब्लूम है और सोशल शेयर एंड फॉलो प्लगइन हमारे पास मोनार्च है, ओके। तो ये प्लगइन्स हमारे पास, ये सारा कुछ हमें मिलता है इस सब्सक्रिप्शन के अंदर, राइट। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ इस डीवी थीम की। तो हम इसको डाउनलोड करेंगे और इसको यूज़ करेंगे कि किस तरह से हम इसको जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तो मैं सिंपल इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये डाउनलोड आ चुका है। मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप के अंदर, सॉरी अपनी वेबसाइट के अंदर, और सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे थीम्स के अंदर जाना है। थीम्स पे जाने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे इंस्टॉल ऐड न्यू करूँगा, ऐड न्यू के बाद अपलोड, और ये हमारा थीम है। यहाँ से इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा और सिंपल मैं इसको इंस्टॉल कर दूँगा। इंस्टॉल होने में ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये टोटली इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी थीम्स की तरह आप इसको सिंपल
एक्टिवेट कर लेंगे। तो तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल नहीं होता। ओके, तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। हम इसको सिंपल एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट हो जाएगा और फिर हम अपनी वेबसाइट को ज़रा देखते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो लुक है वो किस तरह से नज़र आ रहा है। सिंपल मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा और यहाँ पे देखूँगा इस तरह से कुछ लुक हमारा वेबसाइट का भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया है कि ये हमारे पास डिवी थीम है। और अगर आपने इसको आपको इसको नहीं पता किस तरह से यूज़ करना है तो इनकी बहुत ही डिटेल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है। जबकि मैं आपको सिखा रहा हूँ इसको किस तरह से यूज़ करना है तो आपको इसकी खासी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी कोई चीज़ आपको नहीं समझ आए तो आप डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे आगे उसके बाद डीवी थीम इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला काम हमारा ये होता है, ये हमने इसको रजिस्टर करना होता है, राइट। तो हम सिंपल आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे थीम ऑप्शंस के अंदर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये अपडेट्स है। यहाँ पे हमने यूज़र नेम और एपीआई की डालना है और इसको सेव करना है। ये तभी इसको रजिस्टर करना लाजमी है। अगर इसको हम इस तरह से रजिस्टर नहीं करेंगे तो ये इसकी जो प्री बिल्ड टेम्पलेट्स हैं वो हमारे काम नहीं आएंगी, वो हमारे पास नहीं चल पाएंगी, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, अपने अकाउंट के अंदर जाता हूँ और यहाँ अकाउंट के अंदर आप आएंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है यूज़र नेम एंड एपीआई कीज़। ओके, तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम और एपीआई की जो है वो बनाई हुई है, तो मैं सिंपल इसको कॉपी कर लूँगा। ये हमारा जो है एपीआई की है तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूँगा और ये हमारा यूज़र नेम है तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ओके, और सिंपल मैं इसको सेव चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें हमारा जो डीवी थीम है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल चलेंगे यहाँ पे पेजेस के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है। तो सिंपल आपने यहाँ पे ऐड न्यू पेज करना है। आप कोई भी पेज कुछ भी नाम बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ होम। जिस तरह से हमारे पास एलिमेंटर के टाइम पे आता था एडिट विद एलिमेंटर यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी आ रहा है हमारे पास यूज़ डीवी बिल्डर। ओके, तो अब हम इसको डिज़ाइन करेंगे डीवी बिल्डर को यूज़ करते हुए। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा यूज़ डीवी बिल्डर। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। अब यहाँ पे देखें हमारे पास हम इसको स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो स्क्रीन नज़र आएगी, जिसके ऊपर सेम उसी तरह से, बस इंटरफेस थोड़ा सा चेंज होगा, सेम उसी तरह से ऑप्शंस आएंगे जिस तरह से हमें एलिमेंटर के अंदर देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पे देखें अगर बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच आपने बनाना चाहें तो हम लेट्स सपोज क्लिक कर देते हैं बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। तो उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे देखें हम एक रो लेते हैं, उस रो के अंदर एक कॉलम लेते हैं और उसके अंदर हम कोई भी लेट्स सपोज बटन लेते हैं। उस बटन की कुछ इस तरह से हमारे पास सेटिंग्स आ जाती हैं। उसी तरह से सेम ऑप्शंस है कंटेंट, डिज़ाइन और एडवांस, और इनके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इनके सिंपल सेम वही काम है जो हमने एलिमेंटर के अंदर किया था, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद मैं इसको ज़रा क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। इस सेक्शन की सेटिंग निकालनी है तो मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ, राइट। उसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट करना चाहूँ तो इससे कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करना चाहूँ लाइब्रेरी में तो यहाँ से कर सकता हूँ, डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने डिलीट कर लिया और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया। फिर नीचे की तरफ हमारे पास ये ऑप्शन नज़र आता है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ऑप्शन नज़र आ रहा है।
तो यहाँ पे जो हमारा मेन काम आएगा वो आएगा ये लोड फ्रॉम लाइब्रेरी। लेट्स सपोज ये होम पेज हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखें अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस 83 यहाँ पे हमारे पास जो है टोटल, ये भी काउंट कर रहा है 272 लेआउट पैक्स हैं जिनके अंदर 2003 टेम्पलेट्स हैं, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है जिससे आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं या ऑल इन वन थीम में, राइट। अब लेट्स सपोज यहाँ पे देखें कैटेगरीज, आपको किस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो मैं लेट्स से मैं आर्ट एंड डिज़ाइन की वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, तो इसके जो डिज़ाइन हैं मेरे पास निकल के आ जाएंगे इस तरह से। तो लेट्स से मुझे ये पसंद आ रहा है प्रिंट डिज़ाइनर, तो इसके अंदर देखें डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे पास वो है टेम्पलेट्स हैं, जिस तरह से हम टेम्पलेट किट पे हमारे पास नज़र आते थे। अब ये होम पेज है, मैं होम पेज डिज़ाइन करने लगा हूँ, तो मैं इस होम पेज को सिलेक्ट करूँगा और सिंपल इसको मैं प्रीव्यू भी कर सकता हूँ ये किस तरह से नज़र आएगा, और या डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं यहाँ से भी देख सकते हैं इसको इस तरह से। तो मैं अभी इसको यूज़ दिस लेआउट, मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये एज इट इज़ जो लेआउट है वो कम्प्लीट यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगा और सिंपल फिर उसको हम एडिट कर पाएंगे। तो इसको हम इंपोर्ट होने देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये इंपोर्ट हो चुका है डिज़ाइन, देखें आपके सामने बिल्कुल ब्यूटीफुली सारी चीज़ें एज इट इज़ हमारे पास डिज़ाइन हो चुकी हैं, जैसा भी डिज़ाइन था वो हमारे पास, सॉरी मैं इसको यहाँ से खींच के ले आ रहा था, तो यहाँ पे देखें हमारे पास हर कंप्लीट डिज़ाइन हो चुका है। अब लेट्स से मैंने जिस तरह सेम एज इट इज़ एलिमेंटर के अंदर हमने देखा था मुझे इसको एडिट करना है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये सेक्शन है कंप्लीट, इसके अंदर हमारे पास ये ग्रीन कलर की रो है और इसके अंदर ये ब्लैक कलर का एलिमेंट है। लास्ट टाइम हमने एलिमेंटर के अंदर भी यही देखा था कि पूरा सेक्शन, सेक्शन के अंदर रो और रो के अंदर एलिमेंट, जो ब्लू है यहाँ पे वो हम कहेंगे इसको सेक्शन, सेक्शन के अंदर ग्रीन कलर की रो और रो के अंदर जो है एलिमेंट है हमारे पास ब्लैक कलर का। अब हमने जिस चीज़ की भी सेटिंग करनी है उसकी सेटिंग्स में जाना और उसको एडिट करना है, राइट। यहाँ पे हम इन एलिमेंट्स को मॉड्यूल कहेंगे, राइट। तो सिंपल अगर मुझे इसकी सेटिंग करनी है तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है इस टेक्स्ट की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे। सेम वही ऑप्शंस, कंटेंट डिज़ाइन एडवांस, कंटेंट के अंदर मुझे इसको चेंज करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, उसके बाद मुझे इसके ऊपर कोई लिंक लगाना है, बैकग्राउंड सेटअप करना है, एडमिन लेबल लगाना है, फिर डिज़ाइन मुझे इस टेक्स्ट को करना है मज़ीद, तो मैं यहाँ से इसको डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है इस तरह से। तो ये मैंने डिज़ाइन कर लिया, कलर्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ, तो ये काफ़ी एडवांस जो है इसके अंदर हमारे पास फीचर्स हैं। और ये यहाँ पे देखें टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट लेटर स्पेसिंग, ठीक है हम इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं, लाइन हाइट को, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हम इस पर शेडो इफेक्ट दे सकते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे प्री बिल्ट हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी तरह का, ओके। तो यहाँ पे हम एडवांस में चले जाते हैं, यहाँ पे कस्टम सीएसएस और कंडीशंस और विजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, ट्रांजिशंस एंड ऑल। तो सेम वही ऑप्शंस है, कोई नए नो ऑप्शंस नहीं है, आपने इनके साथ सिंपल प्ले करना है और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मॉड्यूल है, कौन सा ऑप्शन का क्या काम है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं थोड़ा सा मज़ीद इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा आपको, इन सारे एलिमेंट्स के अबाउट किस तरह से ये काम करते हैं और किस किस तरह से यहाँ पे हम इस पूरे थीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।